An epic life, Ramanand Sagar, from Barsat to Ramayan. मेरे पूज्य एंड आदरणीय पिताजी की जीवनी संघर्ष भरी रही एंड अद्भुत भी रही. उनको बड़े बड़े साधुओं के दर्शन हुए, चमत्कार हुए एंड संघर्ष में उन्होंने क्या नहीं किया. उन्होंने सड़कों पे साबुन बेचा, ट्रक साफ किए एंड प्यून की नौकरी की, नॉवेल्स लिखी, कोई 30 से ऊपर फिल्में लिखी बनाई एंड फाइनली जिसके लिए उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया वो था रामायण टीवी के लिए बनाना और उसका रामायण का प्रचार जन जन के पास भिजवाना. इसी एक घटना में पापा जी जब 24 बरस के थे, डे नाइट काम करना, सारा दिन काम करना, रात भर पढ़ना ताकि वो मुंशी फसल डिग्री कर सकें. उस मतलब जीवन के अपना चक्की में ऐसे पीसे कि उन्हें एक दिन बैठे बैठे जब उनको खांसी आई तो उनके कपड़े लहू से भर गए और डॉक्टर मल्होत्रा जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने जब देखा, एक्सरे करवाया तो उन्होंने कहा कि पापा जी को तो टीबी हो गया है, टीबी की बीमारी हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनको एक सेनेटोरियम भेजना पड़ेगा. तो मेरे जो दादा थे लाला दीनानाथ वो आए कश्मीर से, पापा जी को टंगमर्ग लेके गए एंड टंगमर्ग सेनेटोरियम में 14 मई 1941 में उन्होंने उनको भर्ती किया. उस वक्त टीबी सेनेटोरियम एक वन वे स्ट्रीट था, आप अंदर तो आ सकते थे पर बाहर आपका सिर्फ शव निकलता था. हर रोज सारे जो टीवी के पेशेंट्स थे वो रोज देखते थे, एक उनका साथी और मर गया. इसी बीच पापा जी का तीसरा पुत्र पैदा हुआ, आनंद सागर, और उस दिन सब टीवी पेशेंटों ने एक पार्टी मनाई, जश्न मनाया कि हमारे एक साथी एक बार फिर पिता बने. एक मरते हुए इंसान ने एक नई जिंदगी को जन्म दिया. उस दिन रात वो भुट्टो के खेत में गए, भुट्टे तोड़े और रात को आके भुट्टो को भुना और खाया पिया और ऐश की जैसे कल है ही नहीं. एक कपल था जो मतलब उनको बहुत प्यार था, बेहद इश्क था और दोनों मरने वाले थे. उन्होंने शादी की और अपनी जीवन लीला मौत को समर्पण कर दी पर मौत की बजाय जीवन उनको वापस मिला और एक दिन वो सुखी सुखी उस सेनेटोरियम से बाहर निकले. डॉक्टर भी हैरान थे, पापा जी ये देख के कि मोहब्बत की, कि इश्क की कितनी ताकत होती है कि वो मौत को भी मात दे सकता है. तो पापा जी ने उस दिन से एक डायरी लिखनी शुरू की, मौत के बिस्तर से, डायरी ऑफ अ टीवी पेशेंट. एंड एक बहुत बड़ा लिटरेरी मैगजीन था अदब ए मुशरिक लाहौर से, जिसे सब लिटरेरी सर्कल्स वाले पढ़ते थे. तो पापा जी ने उसे हर रोज एक कॉलम लिखना शुरू किया और भेजना शुरू किया. जो एडिटर था वो हैरान रह गया कि एक आदमी मर रहा है और बता रहा है कि जीना कैसे. बहुत ही वॉज वेरी डीपली टच्ड बाय द आर्टिकल. उसने एक डेली कॉलम शुरू कर दिया, मौत के बिस्तर से रामानंद सागर. उस वक्त लाहौर में बहुत लिटरेरी लोग थे, फैज अहमद फैज, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, उन सब ने जब ये आर्टिकल पढ़ना शुरू किया तो अननोन टू पापा जी वो पापा जी के बहुत बड़े फैन हो गए एंड पापा जी उसके बाद एक राइटर के तौर पे एक्सेप्ट हो गए. जय श्री.